उत्तर प्रदेश में रविवार यानी कि 26 सितंबर को योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये योगी आदित्यनाथ सरकार का अंतिम कैबिनेट विस्तार माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के गुजरात से लखनऊ लौटने के बाद उन्हें कैबिनेट विस्तार के बारे में जानकारी दी गई। लंबे समय से योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार के बारे में कयास लगाए जा रहे थे, जिस पर आज विराम लग गया। कैबिनेट विस्तार में 7 मंत्रियों ने शपथ ली। शपथ लेने वाले मंत्रियों के बारे में आपको बताते हैं। जितिन प्रसाद, खांटी कांग्रेसी, जो इसी साल कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए। जितिन प्रसाद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दून पब्लिक स्कूल उत्तराखंड से हासिल की, दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम और अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान दिल्ली से एमबीए किया। जितिन प्रसाद साल 2001 में भारतीय युवा कांग्रेस में सचिव बने। 2004 और 2009 में लोकसभा चुनाव जीते। पहली बार जितिन प्रसाद 2008 में केंद्रीय राज्य इस्पात मंत्री बने। 2014 में लोकसभा हारे। 2017 में विधानसभा लड़े, वो भी हारे। 2019 में फिर लोकसभा हारे। भाजपा में आने के बाद से इन्हें सूबे के ब्राह्मण फेस के तौर पर आगे करने की खुसफुसाहट चल रही है। कैबिनेट में लाने की भी शायद यही वजह रही। संगीता बिंद बलवंत, डॉक्टर संगीता बिंद बलवंत गाजीपुर सदर सीट से भाजपा विधायक हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा में आई थी। मनोज सिन्हा की करीबी मानी जाने वाली संगीता बलवंत को 2017 में टिकट मिला और जीत भी मिली। क्षेत्र की लोकप्रिय नेता है। ये बिंद यानी ओबीसी जाति से आती हैं और पूर्वांचल में ये वोट बैंक अच्छी खासी संख्या में है। डॉक्टर संगीता का जन्म गाजीपुर शहर में हुआ। इनके पिता पोस्टमैन थे। छात्र जीवन से ही राजनीति का भी शौक रहा है। स्थानीय पीजी कॉलेज गाजीपुर छात्र संघ की उपाध्यक्ष भी रही हैं। पति डॉक्टर अवधेश होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। संगीता जमानिया क्षेत्र से निर्दल जिला पंचायत सदस्य रही हैं। छत्रपाल गंगवार बरेली की बहेड़ी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक हैं। कुर्मी जाति से आने वाले गंगवार इसी सीट से 2 बार के विधायक हैं। दमखोदा के रहने वाले छत्रपाल सिंह गंगवार पहली बार साल 2007 के चुनाव में बहेड़ी सीट से जीते। साल 2007 में सपा के अताउर रहमान को कम वोटों के अंतर से हराया था। 2012 में हार गए थे। 2017 में बसपा प्रत्याशी नसीम अहमद को हराकर दूसरी बार विधानसभा पहुंचे। माना जा रहा है कि गंगवार को मंत्रिमंडल में शामिल करके भाजपा संतोष गंगवार की केंद्रीय मंत्रिमंडल से हुई छुट्टी की भरपाई करने के मूड में है, ताकि कुर्मी वोट बैंक बना रहे। दिनेश खटीक मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक दिनेश खटीक ने भी 2017 में पहली बार भाजपा की ओर से चुनाव लड़ा था। लंबे समय आरएसएस के साथ रहे हैं, फिर भाजपा में। इनके पिता भी संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। इनके भाई नितिन खटीक जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। वर्तमान में वे मेरठ के गंगानगर में रहते हैं। विधायक दिनेश खटीक द्वारा हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्राचीन ऐतिहासिक नगरी में कई बड़े विकास कार्य कराए गए। विधायक दिनेश खटीक के मंत्री बनाए जाने की खबर से क्षेत्र व पार्टी पदाधिकारियों में खुशी का माहौल है। संजीव कुमार उर्फ संजय गोंड सोनभद्र के ओबरा से विधायक हैं। ये भी पहली बार के ही विधायक हैं। 2017 के चुनाव में संजय गोंड ने दिग्गज आदिवासी नेता और पूर्व मंत्री विजय सिंह गोंड के पुत्र वीरेंद्र को हराया था। संजय अनुसूचित जनजाति से आते हैं। इस बिरादरी के लोगों की आसपास के जिलों में अच्छी तादाद है। संजय की पत्नी लीला देवी जिले के 54 से ब्लॉक प्रमुख हैं। माना जा रहा है कि इसी को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट में जगह दी गई है। 2017 के विधानसभा चुनाव में संजीव ने दिग्गज आदिवासी नेता व पूर्व मंत्री विजय सिंह गोंड के पुत्र वीरेंद्र को हराकर विधायक बने थे। संजीव की पत्नी लीला देवी भी जिले के 54 से ब्लॉक प्रमुख हैं। धर्मवीर प्रजापति आगरा के MLC हैं। मूल रूप से हाथरस के रहने वाले हैं। माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। लंबे समय तक RSS के स्वयंसेवक रहे हैं। संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। धर्मवीर प्रजापति ने RSS के स्वयंसेवक के रूप में काम किया है। वर्ष 2002 में पहली बार उन्हें प्रदेश का दायित्व मिला। तत्कालीन पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में वे प्रदेश के महामंत्री बने। इसके बाद 2 बार प्रदेश संगठन में मंत्री का दायित्व संभाला। अयोध्या में श्रीराम के दीपोत्सव कार्यक्रम के लिए उन्होंने आगरा, एटा, कन्नौज सहित दूसरे जिलों से डिजाइनर दिए की व्यवस्था कराई थी। यूपी विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव में भाजपा ने धर्मवीर प्रजापति को उम्मीदवार बनाया था। पलटूराम
बलरामपुर से भाजपा विधायक पलटूराम गोंडा जिले के रहने वाले हैं। 2017 में पहली बार विधायक बने। इनकी पत्नी ज्ञानमती भी गोंडा जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। 2017 में चुनाव में कांग्रेस सपा गठबंधन प्रत्याशी शिवलाल को 25,000 वोट से हराया था। पलटूराम 51 वर्ष के हैं। छात्र राजनीति से अपना सफर शुरू किया था। प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते हैं और आम लोगों के बीच काफी लोकप्रिय भी हैं। जमीनी नेता की छवि है। आपके लिए लिस्ट तैयार की थी हमारे साथी अभिषेक ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।